दोस्तों आज बनाएंगे हम कांदा भजी। इसके लिए लगेगा एक बड़ा प्याज। प्याज को बारीक तरह से काट लेना है और काटने के बाद उसमें एक चम्मच जीरा मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे बारीक करके, एक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक मिर्ची डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। बाद में उसमें बेसन डाल के, पानी डाल के उसको अच्छी तरह से, उस बैटर को अच्छी तरह से मिलाएंगे। एक जो होने तक उसको मिलाते रहेंगे और बाद में इसमें तेल रखेंगे कढ़ाई पे। कढ़ाई में तेल डाल के वो गर्म होने तक देखेंगे, तब तक हम अपना बैटर है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम देख लेंगे, गैस को आपको फुल रखना है। गर्म होने के बाद हम उस बैटर को तेल में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा चम्मच से। ध्यान रखना है कि उसकी चीटे आपके ऊपर ना गिरे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वो लोहे की कढ़ाई में चिपक, थोड़ी देर सेकने के बाद उसको पलटना ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से उसको पलट दीजिए। थोड़ा ब्राउन होने तक उसको अच्छी तरह से, ब्राउन होने तक तलना है। तलने के बाद हम आप पूरा ब्राउन हो गया है अभी, उसको हम अब निकालेंगे एक प्लेट में। देख सकते कितना बढ़िया कलर और कुरकुरा अपना आ गया है उसमें। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे आपको। अब हमने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इसको हम खा के दिखाएंगे कितना बढ़िया बना हुआ है। इसका टेस्ट आपको पसंद आएगा, आप भी बना कर खा लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसी वीडियोस हम बाद में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।